ठीक होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि कांग्रेस सीट बंटवारे के फॉर्मूले से सहमत नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का पेंच अब तक फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी के 6 सीट देने के सुझाव को कांग्रेस नहीं मान रही है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जैसे ही महागठबंधन एक नतीजे पर पहुंच रहा होता है, तभी एक नई परेशानी सामने आ जाती है। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस को बिहार में सिर्फ 6 सीटें नहीं चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को आरजेडी का फॉर्मूला पसंद नहीं आया। आरजेडी ने 6 लोकसभा सीट का ऑफर दिया था, जिसे लेकर कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस ने पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मोतिहारी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, औरंगाबाद, सासाराम, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय सीट पर दावा किया था, लेकिन आरजेडी ने कहा कि सीट जीतने का दावा होना चाहिए। इसी बंटवारे को लेकर दोनों में तनातनी बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है, और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हाल ही में पप्पू यादव की पुण्या सीट पर दावेदारी को लेकर भी महागठबंधन में दरार दिखी थी। ये दरार खाई न बन जाए, इसके लिए आरजेडी कांग्रेस दोनों में इस बात को लेकर सहमति बन गई और सीट पप्पू यादव के खाते में चली गई। तो एक तरफ INDIA में अभी तक सीट शेयरिंग